हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में वर्नोलिस इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखने जा रहे हैं उनके एप्लीकेशंस, जो उनके तीन एप्लीकेशंस होते हैं, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर एंड पीटर ट्यूब। तो हम आज डिस्कस करेंगे वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या होता है? यह एक डिवाइस होता है जो फ्लो रेट और डिस्चार्ज को मेजर करता है। ठीक है, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर फ्लो रेट और डिस्चार्ज या फ्लो रेट और डिस्चार्ज को मेजर करता है। फ्लो रेट और डिस्चार्ज दोनों किस वजह से हम कह रहे हैं? क्योंकि यहां पे जो फ्लूइड हमारा है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मीन्स इसमें जब हमारा फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है तो A1V1 इक्वल्स टू होता है A2V2 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। इसको डिटेल्स देखते हैं कि वेंचुरीमीटर क्या होता है। तो वेंचुरीमीटर एक शॉर्ट पाइप कंसिस्टिंग होता है फॉर कॉनिकल पार्ट्स के लिए, फॉर टू कॉनिकल पार्ट्स का, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम माना जाता है। तो इसको भी लिख लें, इट इज ए शॉर्ट पाइप कंसिस्टिंग ऑफ consisting of two conical parts with a short portion with a short portion of minimum cross section area अब इसमें वेंचुरीमीटर को समझने के लिए इसका जो हम पाइप को कंसीडर किए हैं, ठीक है, स्पेसेस को ड्रा किए हैं, तो ये हमारा जो शॉर्ट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर है, जिसमें इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं रैपिड कन्वर्जिंग पोर्शन, और ये हमारा है ग्रेजुअल इंक्रीजिंग और डाइवर्जिंग पोर्शन। ठीक है, अब इसे समझते हैं हम कि ये क्या होते हैं। तो ये पोर्शन रैपिड कन्वर्जिंग पोर्शन और ग्रेजुअल इंक्रीजिंग ऑफ डाइवर्जिंग पोर्शन। रैपिड में समझ रहे हैं कि जो रैपिडली, यानी कि जल्दी, प्रोसेस जो जल्दी में होता है, और ग्रेजुअली मीन्स जो होता है, जो प्रोसेस धीरे होता है रैपिड से, यानी कि एक ही स्पीड पे होता है, जिसे हम कहते हैं एक तरफ से। तो ऐसा इसलिए होता है इस पोर्शन में क्योंकि जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसे कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए ऐसा इस पोर्शन को बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो कन्वर्जिंग पोर्शन क्या है। तो कन्वर्जिंग पोर्शन देखते हैं इस पोर्शन में जो है वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस अलोंग द कन्वर्जिंग, वेलोसिटी इंक्रीजेस
along the converging. इसमें जो हमारा वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता है. वेलोसिटी इंक्रीज कैसे करता है, हम अगर जानते हैं a1 v1 equals to a2 v2 है, तो यहां पे हम देख रहे हैं जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ a2 है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ a2 है वो लेस देन है a1 से, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ a2 है वो लेस देन है a1 से. तो इस केस में ए वन वी वन इक्वल्स टू होता है ए वन वी वन ए टू वी टू. तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो ए टू है वो लेस देन ए वन है, ए टू लेस देन ए वन. तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, वी टू इक्वल्स टू हो जाएगा, वी टू इक्वल्स टू ए वन बाय ए टू इंटू वी वन. अब देखिए यहां पे a1 वन बाय ए टू, और इस केस में यहां पे हम देख रहे हैं कि जो a2 है वो a1 से छोटा है, यानी कि a1 बड़ा है. तो इस केस में हमारा जो v2 क्या होगा, v1 से ग्रेटर देन होगा. तो इसलिए v2 ग्रेटर देन v1, यानी कि ये v2 ग्रेटर देन v1 बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता है अलोंग द कन्वर्जिंग. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या होता है. डाइवर्जिंग सेक्शन में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करता है. ठीक है, उसी तरह इन कन्वर्जिंग सेक्शन में फिर ये भी आप लिख सकते हैं कि जो डाइवर्जिंग सेक्शन में वो वेलोसिटी वो डिक्रीज करता है. ठीक है, उसी तरह फिर यहां देखते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन में वो हमारा प्रेशर जो रहता है कन्वर्जिंग सेक्शन में वो डिक्रीज करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है. आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि वेलोसिटी हमारा जो है कन्वर्जिंग सेक्शन में इंक्रीज करता है और प्रेशर जो है कन्वर्जिंग सेक्शन में डिक्रीज करता है. तो प्रेशर डिक्रीज इज अलोंग द कन्वर्जिंग सेक्शन. और डाइवर्जिंग सेक्शन में जस्ट इसके ऑपोजिट है. तो प्रेशर डिक्रीजेज एलोंग द कन्वर्जिंग सेक्शन अब ये अलोंग द कन्वर्जिंग सेक्शन वो किस वजह से डिक्रीज कर रहा है, तो ये किस वजह होता है, ये बर्नौली इक्वेशन से डिक्रीज कर रहा है, फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन के अनुसार वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. यानी कि ये कह रहा है जो P1 ग्रेटर देन होगा वो P2 होगा. ये किस वजह से हो रहा है, तो आइए देखते हैं. तो अगर हम सपोज करते हैं, ज्यूम करते हैं, जो हमारा है वो पाइप है, वंजूरीमीटर पाइप है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल है. तो एज्यूम द पाइप इज हॉरिजॉन्टल. पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो इस केस में जब पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में जेड वन इक्वल्स टू क्या होगा, जेड टू होगा. जेड वन इक्वल्स टू जेड टू होगा. ठीक है, अब फॉर आइडियल फ्लूड के लिए, हेड लॉस हमारा जीरो होता है, एच एल हेड लॉस इक्वल्स टू जीरो होता है. तो
तो हमारा इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन से पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन इक्वल्स टू पी टू बाय रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जेड वन जो है वो जेड टू के इक्वल है, तो जो जेड वन और जेड टू है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी इक्वल्स टू पी टू बाय रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी, ये इक्वेशन बचेगा। तो हमारा होगा पी वन बाय रो जी माइनस पी टू बाय रो जी इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी, ये इक्वेशन होगा। अब देखिए यहां पे कि वी टू है वो ग्रेटर देन वी वन है, ये हमने प्रूव कर चुका है, ठीक है। तो वी टू जो ग्रेटर देन वी वन है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वी टू ग्रेटर देन वी वन है इसका मतलब हुआ जो हमारा ये वेल्यू होगा इस साइड का पी वन बाय रो जी माइनस पी टू बाय रो जी वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेल्यू आएगा, ठीक है, जो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे वी टू हमारा जो है ग्रेटर देन वी वन है, ठीक है, और यहाँ वी टू से वी वन माइनस हो रहा है, तो हमारा पी वन बाय रो जी पी वन बाय रो जी माइनस पी टू बाय रो जी ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये किस लिए होगा, यहां हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस वी टू ग्रेटर देन वी वन सो वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी ग्रेटर देन जीरो, इस वजह से ये हमारा जीरो से बड़ा होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं पी वन बाय रो जी ग्रेटर देन पी टू बाय रो जी, ठीक है। तो रो जी हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पी वन ग्रेटर देन पी टू। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जो प्रेशर है एलोंग द कन्वर्जिंग सेक्शन वो डिक्रीज करता है, ठीक है। पी वन ग्रेटर देन जो पी टू है ये हमें बता रहा है कि प्रेशर जो हमारा एलोंग द कन्वर्जिंग सेक्शन है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे वेंटुरीमीटर के कुछ फैक्ट्स, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो डिस्चार्ज का मेजरमेंट है वेंटुरीमीटर में वो कैसे किया जाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।